डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ असल वरह वरक होप दैट यूर फाइन डियर स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स नाउ यू नो द्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑबटेनिंग फूड एंड इट इज यूटिलाईजेशन और इस न्यूट्रिशन के लिए उसके जो स्टेप्स हैं जैसे इंजेशन डायजेशन एब्जॉर्बशन एसमलेशन एंड इजेशन ये सारे स्टेप्स जो हैं ये परफॉर्म होते हैं इन ए हाईली डेवलपड ऑर्गन सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आपने देखा कि इसके लिए है एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दैम इन आवर प्रीवियस क्लासेस और डाइजेशन के लिए फर्स्ट स्टेप जो है इंजेशन जो ही इंजेशन होता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्रू माउथ जो ही फूड माउथ के अंदर पहुंच जाता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन उसके बाद स्टार्ट होता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड वाट इज डाइजेशन

as it is the breaking down of food is a catabolic process and in human beings it is intercellular that is it occurs in the cavity of elementary canal it does not occur in the cell itself it is not uh, an intracellular it is intercellular that is it occurs in the cavity of elementary canal for this the elementary canal is there for in uh, different parts of the elementary canal that is mouth here stomach स्माल इंटेस्टाइन तो यहाँ पर डायजेशन प्रोसेस होती है अब हम स्टेप बाई स्टेप देखेंगे कि डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है डायजेशन uh, कम्प्लीट किस जगह होता है और कैसे होता है और कौन से एन्ज़ाइम्स जो हैं किस तरह से वो काम करते हैं इस uh, हमारे uh, हम जो फ़ूड लेते हैं उस पर किस तरह से काम करते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं इन टू सिंपलर सबस्टेंसेज तो हम पहले बात करेंगे डाइजेशन इन माउथ डाइजेशन ऑफ फूड जो है इट स्टार्ट्स इन द माउथ द फूड इंजेस्टेड इज चीव्ड बाय टीथ एंड ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स जो हम फूड लेते हैं इंजेस्ट करते हैं तो वो माउथ में हमने पहले ही पढ़ा कि माउथ में आ, हमारी बकल कैविटी में टीथ है टंग है और सेलवेरी ग्लैंड्स है जो इसको uh, हेल्प करते हैं फॉर द डाइजेशन पर्पज़ फॉर फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड तो यहाँ पर क्या होता है टीथ जो है ये फिजिकल uh, uh, इसका बाय द फिजिकल मेथड्स दैट इज़ बाय ग्राइंडिंग एंड चिविंग ऑफ फूड और इसमें जो सेलेवेरी ग्लैंड्स है हमारे जो थ्री पीयर्स ऑफ सेलवेरी ग्लैंड्स हैं की मदद से जो वो सक्रीट करते हैं सेलेवर uh, उसकी मदद से ये फूड जो है तकरीबन इसका थर्टी टू फोर्टी परसेंट स्टार जो है वो डाइजेस्ट होता है इन टू आवर माउथ सो इन द माउथ द फूड दैट वी इंजेस्ट इज ब्रोकन डाउन इज चिव बाई टीथ एंड ब्रोकन डाउन इंटू स्माल पार्टिकल्स सो दैट लार्ज सर्फेस एरिया इज प्रोवाइडेड फॉर द एक्शन ऑफ एंजाम्स एंड दिस फूड इज मिक्सड विद द सेलेवा विच इज सेक्रीटेड बाई द सेलोवरी ग्लैंड विच मॉइसचर एंड ल्यूब्रिकेट द फूड and helps in swallowing okay Dear students the enzyme salivary amylase here this uh, this enzyme salivary amylase which is uh, which was also called as tylin previously acts on, on starch which is present in the food and breaks it into maltose isomaltose which is a disaccharide and the medium is here ph is 6.8 that medium is alkaline or neutral then the masticated food is now rolled into a ball which is changed into the bolus by the tongue and is rolled by the uh, tongue and passed through the pharynx which is the common passage you know it common passage for both food as well as uh, for air into the esophagus by swallowing and esophagus you know is the food pipe uh, and uh, esophagus it acts only the passage for moving the food down from the pharynx towards the stomach okay during swallowing the epiglottis closes and prevents the food from entering the trachea epiglottis so you prevent from entering the food into the windpipe or trachea the food is passed along the esophagus by peristalsis you know the peristalsis it is the सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ इसोफेगस जो है वो क्रिएट करते हैं दिस पेरेस्टोल्टिक मूवमेंट एंड बाय द दिस पेरेस्टॉल्टिक मूवमेंट द फूड थ्रू द इसोफेगस इनटू द स्टमक एंड हियर नो डाइजेशन ऑकर्स इसोफेगस पार्ट में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है तो माउथ में तकरीबन थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑफ फूड जो स्टार्च है इन फूड um, में हमारा स्टार्च है So, would digest hota hai into maltose simple sugars mein. okay so this is the digestion of food uh, in mouth i think it is sufficient for today uh, then the food enters into the stomach here through the esophagus and the digestion uh, of the food occurs here also and we will talk about the digestion of food in stomach in our next class Till then, I love his.